Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है दिवांश मीना और आप देख रहे हैं आपका ब्यूटीफुल सा चैनल कन्फ्यूजन का स्ट्रगल। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो इसी के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो अब हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोए जाते हैं। देखो ये मशीन गोदरेज की है, गोदरेज कंपनी की मशीन है और ये 6.8 kg और ये हम आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हो। वैसे तो ये थोड़ी पुरानी है बट ठीक है। वह इसको स्विच में लगाते हैं और आपको कपड़ा धोना सिखाते हैं। डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिना कपड़े डाले भी हम ऐसे इसको देख सकते हैं। ये कपड़ा मतलब कि इसमें कपड़े डालते हैं और फिर उसमें धुपते हैं घूम घूम के। देखो हम घुमा के दिखाते हैं आपको, तो ऐसे ही घूमता है। इसको अभी चला के भी दिखाएंगे, ठीक है। तो और ये कोई काम का नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कपड़े डालते हैं आप, ये जितना देख रखा है इसमें पहले पानी डालो फिर सर्फ डालो और फिर ये ऐसे घूमता है। देखो ये कैसे चलाया हमने, ये हमको सिखाएंगे। इसमें पहले सर्फ डालो फिर पानी डालो फिर ये जितने कपड़े डालने वो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपको चलाना सिखाते हैं। ये देखो यहाँ से ये 15 मिनट, कितने मिनट तक आप कपड़ों को घुमाना चाहते हो या कितने मिनट में धोना चाहते हो। तो ज़्यादा गंदे हैं तो 10 मिनट, और ज़्यादा गंदे हैं तो 15 मिनट नहीं है, या थोड़े बहुत गंदे हैं तो 5 मिनट में धुप जाते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ देखो 15 मिनट, फिर ये अपने आप टाइमर जो होता है वो बच जाता है। टाइमर, इसमें टाइमर लगा हुआ है जो ये बच जाता है, ठीक है। ये जैसे 15 मिनट का लगाया, 15 मिनट हो गई तो ये टाइमर बजेगा, फिर ये अपने आप मशीन ऑफ हो जाएगी, यानी घूमना बंद हो जाएगी। फिर आपके कपड़े यानी कि जितना आपने टाइम लगाया उतने कपड़े आपने धुल गए। स्ट्रॉन्ग इसमें ये तीन, जैसे जेंटल में हर एक घंटे में धोना हो और डेली वॉश में हम एक दिन छोड़ के धोते हैं, और स्ट्रॉन्ग में कभी कभी धोना यानी बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े धोना, इसमें ज़्यादा घूमती है मशीन। और ये पानी बाहर निकालने अंदर का है, इसमें बाहर निकाला जाता है, इससे पानी बाहर निकाला जाता है, आपको निकाल के भी दिखाएंगे। तो इससे देखो इसमें अगर पानी, इसमें जो वॉशिंग मशीन का ये पानी है जो बाहर निकाल के ऐसे बाहर निकालते हैं वो उससे निकालते हैं, और पानी निकलता है इधर से। देखो ये हमने पानी डाल दिया, अब आपको बाहर भी निकाल के दिखाएंगे। इसमें पानी है सर्फ का गंदा पानी, तो उसको बाहर कैसे निकाले, इससे निकालते हैं, इससे इसका यूज़, ठीक है, इसका यूज़ लेके, ठीक है। तो ये हमारा पाइप रहा, ये पीछे से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पानी निकल, देखो निकल गया, अभी हमने डाला था एक मग्गा, वो जो पानी है ये, ठीक है। ये पीछे से देखो ऐसे कनेक्टेड है ये पाइप, तो इसका यूज़ तो पानी बाहर निकालने का है। और ये लास्ट ऑप्शन है, ये जो है कपड़े सुखाने का है, ठीक है, ठीक है, ये है कपड़े सुखाने का। अभी आपको दिखा देते हैं। तो इसमें आप पहले कपड़े डाल दो और फिर जो टाइमर है वो लगा दो, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिनट में भी वही वो होता है। इसको ऐसे पैक कर देते हैं कपड़े डालने के बाद, और फिर देखो ऐसे जैसे मैं वीडियो में आप देख पा रहे हो ऐसे फिर बंद कर देते हैं, और फिर टाइमर लगा दो 5 मिनट, ये आप फिर अपने आप टाइमर होके ये अपने आप रुक जाता है। मतलब कि इसमें एक फंक्शन बहुत ही अच्छा है, इसमें अगर हम इसको टाइमर चलता हो, मतलब कि मशीन चल रही है और फिर इसको उठाते हैं तो मशीन अपने आप बंद हो जाती है, मशीन अपने आप बंद हो जाती है। अभी आपको दिखाऊंगा, देखो ये मशीन चल गई और ये अभी बंद हो जाएगी, तो बंद होते हुए तो दिखाता हूँ, ये देखो बंद हो गई, इसको उठाते ही बंद हो जाती है। ऐसे तो चल रही है ये मशीन, इसको बंद, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और ये अपने आप सुखा देती है, मतलब सुखा देती है फिर थोड़ा थोड़ी धूप लगानी। तो ये है गोदरेज की मशीन।